हाय हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द नेक्स्ट एपीआई कोर्स फॉर द बिगिनर्स। तो आज यार हम लोग का लेशन नंबर 2, जहाँ पे हम लोग देखने वाले कि कैसे हम लोग नेक्स्ट जेस में बनाते हैं एक प्रोजेक्ट। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सबसे पहले तो यार मैं ये नेक्स्ट जेस का हम लोग का जो कोर्स है उसको मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। इसको और आप लोग फॉलो कर लेना, स्टार्टिंग से देखना ताकि आपको हर एक चीज़ समझ आए। बाकी हम लोग का अभी तक तो लेशन 1 हुआ है, जहाँ पे हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देखा है। बाकी आज हम लोग देखने वाले हैं इंस्टॉलेशन। तो यहाँ पे मैं सिंपली नेक्स्ट जेएस का जो वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट, मैं उसको ओपन करूँगा। और सिंपली जो यहाँ पे नेक्स्ट जेएस का वेबसाइट है उसको मैं ओपन करूँगा। और ओपन करने के बाद यार आपको यहाँ पे कमांड मिल जाता है इंस्टॉलेशन का। ठीक है, यहाँ पे आपको इंस्टॉलेशन का कमांड मिल जाता है, npx क्रिएट नेक्स्ट अंडरस्कोर ऐप डॉट लेटेस्ट। आप लोग यहाँ पे डायरेक्ट सिंपली इस पर कॉपी करो, और जैसे इस पर क्लिक कर तो आपका यहाँ पे कॉपी हो जाता है। या फिर आप लोग गेटिंग स्टार्टेड पे जाके इंस्टॉल, जो हम लोग का इंस्टॉलेशन का पार्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हो इंस्टॉलेशन का पार्ट है, वहाँ पे जाओ और फिर ये वाला कॉपी कर लो। ये कॉपी करने के बाद यहाँ पे सिंपली कुछ इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि आप लोग यार इंस्टॉल इंस्टॉल कर सकते हो ये सारी चीज़ें को, और इस तरीके से आप लोग अपने प्रोग्राम को रन कर सकते हो। ठीक है, तो इसको भी रन देते हैं। बाकी भी क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग अपना कोई भी फोल्डर ओपन करते हैं, और यहाँ पे एक बनाते हैं नया फोल्डर नेक्स्ट जेएस के नाम से। ठीक है, मैं यहाँ पे इसका नाम रखूँगा नेक्स्ट अंडरस्कोर जेस। और इस फोल्डर में बेसिकली मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा, ओपन इन टर्मिनल करूँगा, एंड यहाँ पे अपना ओपन करूँगा टर्मिनल। और मैंने जो वो कमांड कॉपी करा था वहाँ से, सिंपली मैं इसको टर्मिनल को आने देता हूँ, और मैंने जो वहाँ कमांड कॉपी करा था उसको मैं यहाँ पे पेस्ट करके इंटर कमांड देता हूँ। आप लोग जैसे इसको इंटर करते हो, यहाँ पे ये थोड़ा सा आपका टाइम लेगा, क्योंकि ये आप फर्स्ट टाइम कर सकते हो। और यहाँ पे आपका बोला प्रोजेक्ट का नाम मैं यहाँ पे रखूँगा फर्स्ट अंडरस्कोर ऐप। ठीक है, या फिर एक काम करते हैं फर्स्ट और ऐप कुछ ऐसा नाम रखते हैं, और इंटर कंटेंट कैपिटल लेटर। ओके, फर्स्ट ऐप इंटर करते हैं। टाइप स्क्रिप्ट ये बोल रहा है कि आप टाइप स्क्रिप्ट रखना चाहते हो, मैं नो ही रखता हूँ। ये स्लिंट नो, टेलविन सी एस एस नो, SRC डायरेक्टरी बनाने देते हैं। ठीक है, ऐप राउटर रहने देते हैं। और जो ये डिफ़ॉल्ट बोल रहा है कि क्या आप लोग डिफ़ॉल्ट कस्टमाइजेशन करना चाहते हो, मैं करता हूँ यस। और ये बेसिकली अब इंस्टॉल कर रहा है आपका डिपेंडेंसी। ये अभी ये थोड़ा सा टाइम लेने वाला है, तो आपको वेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं भी यहाँ पे वेट करता हूँ जब तक ये इंस्टॉल करता है। ओके, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मेरा इंस्टॉल जो प्रोजेक्ट है वो इंस्टॉल हो गया है। मैं क्या करता हूँ, मैं सिंपली वही फोल्डर पे जाके रिलोड करूँगा। तो यहाँ पे मेरा फर्स्ट स्टेप बन के आ गया है। मैं इसको ओपन करूँगा VS कोड के अंदर, तो सोमन ऑप्शन करके ओपन विथ कोड करके मैं इसको ओपन करूँगा VS कोड के अंदर। आप लोग हो सकता है VS कोड आप लोगों ने इंस्टॉल कर लिया था, क्योंकि मैंने पिछला वीडियो में आपको बता दिया था कि VS कोड हम लोग यूज़ करने वाले हैं इस फोल्डर के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे यार अगर आप लोग पैकेज प्रेजेंटेशन देखोगे, तो वहाँ पे आपको जो ये मिलने वाला है वो मिलने वाला है डेव। मतलब आप लोग जैसे ही npm रन डेव करोगे, अगर आप लोग अपने प्रोग्राम को देखना चाहते हो तो आप लोगों को लिखना पड़ेगा npm रन डेव। ये कमांड से क्या होगा कि आपका जो नेक्स्ट जेएस का सर्वर है वो यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा, और ये बेसिकली लोकल होस्ट 3000 पे जो है वो स्टार्ट हो गया है। तो मैं सिंपली इस पर क्लिक करूँगा, और यहाँ पे मेरा लोड होने में थोड़ा सा टाइम ले रहा है, एंड वेट करते हैं इसके लिए। लोकल होस्ट कोलन 3000 पे मेरा सिंपली जो पोर्ट है वो मैंने ओपन कर दिया है, और मेरा जो नेक्स्ट जेस का वेबसाइट है वो यहाँ पे मुझे देखने को मिल गया है। ठीक है, तो यहाँ पे यार ये बेसिकली आपका बोल सकते हो जो टेम्पलेट आपको मिलता है बाय डिफॉल्ट, जो नेक्स्ट जेस आपको देता है वो बेसिकली आपको यहाँ पे
देखने को मिल गया। और इसी के साथ आपका जो इंस्टॉलेशन है वो यहाँ पे होता है खत्म। आपको जब भी इंस्टॉलेशन के लिए कमांड चाहिए होगा, आप लोग नए जेएस के वेबसाइट पे आओ और सिंपली जो इंस्टॉलेशन का पार्ट है यहाँ पे भी आपको मिल जाता है कमांड बेसिकली कॉपी करने के लिए। आप लोग यहाँ से कॉपी कर लो या फिर डॉक्स पे जाओ इंस्टॉलेशन एंड सिंपली यहाँ से आप लोग इसको इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय। बाकी जो नेक्स्ट चीज का कोर्स है इसको आप लोग फॉलो कर देना, स्टार्टिंग से देखना ताकि आपको एक चीज समझ आए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।